नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की हद में आने वाले मांडवी पुलिस स्टेशन अंतर्गत काशिद और कोपर गांव से, जहां पर पिछले दो दिनों से मामला गरमाया हुआ है। दरअसल जो बात मैं कर रहा हूं, काशिद और कोपर गांव अंतर्गत MMRDA द्वारा एक बड़ी सी पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, उसका विरोध गांव वाले पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और इस विरोध को लेकर दोनों गांव के निवासी कई दिन से साखली उपोषण पर बैठे हुए हैं। आखिरकार कल इस मामले में पुलिस ने दखल दी, MMRDA के निवेदन के ऊपर पुलिस ने बंदोबस्त दिया और इन गांव के लोग जो उपोषण पर बैठे हुए थे, साखली उपोषण पर, इनको उठाते हुए पुलिस ने उपोषण खत्म करवाने की कोशिश की। कल इनको हिरासत में लिया गया, फिर शाम को छोड़ दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस ले जा रही है, और इनको हिरासत में लिया गया, फिर शाम को छोड़ दिया। फिर आज ये लोग जमा हुए, फिर आज एक बार यही कहानी फिर से दोहराई, फिर आज पुलिस ने उनको, अभी फिलहाल ऐसी जानकारी सामने आई है कि हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने कोई मामला फिलहाल दर्ज नहीं किया है और वहां क्षेत्र में शांति बनी हुई है। जो उपोषण करता है वो काफी शांतिपूर्वक अपना आंदोलन उपोषण कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो उनका साखली उपोषण जारी है, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव उन्होंने नहीं किया है, लेकिन MMRDA जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही है। और MMRDA जो है अपना काम करने के लिए इन गांववासियों को हटाने के पीछे लगी हुई है। गांववासियों का ऐसा कहना है कि इस पानी की टंकी का उनको विरोध नहीं है, लेकिन ये जो पानी की टंकी जिस जगह पे बनाई जा रही है वो जगह गलत है। उस जगह पर बनने के बाद में भविष्य में इन दोनों गांवों को काफी दिक्कतें आने वाली है। इसी क्रम में कल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष समीर वर्तक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब देखना यह है कि यह मामला कहां पर जाके रुकता है। जब कोई गांववासी जिनके लिए विकास कार्य किया जा रहा है, उनको अगर वो विकास कार्य अपना एक्सेप्ट नहीं है, तो क्यों प्रशासन उनके ऊपर जबरदस्ती लाद रहा है, ये एक बड़े सोचने वाली बात है। MMRDA वो झुकने का नाम नहीं ले रही, हालांकि MMRDA के किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है और पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा है कि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ MMRDA को उनके निवेदन के ऊपर हम सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं और ये एक रूटीन प्रोसीजर है, उसके तहत इन लोगों को हमने हिरासत में लिया है और वापस छोड़ दिया जाएगा अगर किसी तरह का मामला नहीं बनता है। अब सवाल ये है कि शांतिपूर्वक चल रहे उपोषण को उठाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग क्यों किया गया, क्या बातचीत के जरिए MMRDA इस मामले को हल नहीं कर सकते थे, यह सवाल बड़ा है। अब देखना यह कि इस मामले में आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। चालू रखिए, कल जो भी डिसीजन होगा उसके बाद देखा जाएगा। तो आपको, आप आज के दिन काम चालू रखने वाले हैं या बंद रखने वाले हैं? चालू करने वाले, काम चालू रखने वाले हैं, ठीक है। तो भी काम चालू देना रहा है कि नहीं आज? नहीं नहीं, ठीक है। कुठे ठीक है, यावं लागेल तुम्हाला आता, कृपा लिहून नाही देणार आम्ही, आम्ही तुम्हाला अटक करत आहोत, कृपा करून तुम्ही आता समजून घ्या, लिहून वगैरे देणार नाही, बस
तुम्हारा काम आपको काम चालू रखना है जी सर, या दो दिन बंद रखना है अपनो काम, आपको क्या आदेश है? चालू करने का आदेश, आप तुम्ही काम चालू करून देणार आहात? नाही देणार ना, कृपा करून चला आमच्यावर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।